इस वीडियो में आज हम ट्रांसलेशन सीखेंगे। उसके लिए हमें कुछ ज़रूरी चीज़ें स्मॉल ट्रांसलेशन सीखेंगे। तो उसके लिए वर्ड मीनिंग्स हैं टी एच आई एस, दिस दिस मीन्स यह है, टी एच ई टी दैट दैट मीन्स वह, आई एस इज मीन्स है, ए आर ई आर आर मीन्स है, ए या अ कॉन्सोनेंट्स के साथ यूज़ करते हैं, ए एन 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 मीन्स भी एक होता है, ए मीन्स भी एक होता है, एन को वॉवल्स के साथ यूज़ करते हैं। जो वर्ड्स वॉवल से स्टार्ट होते हैं यानी कि ए ई आई ओ यू, फाइव वॉवल्स होते हैं, इनसे स्टार्ट होते हैं, उसके लिए उसके साथ एक की अंग्रेजी को हम एन यूज़ करते हैं। और कॉन्सोनेंट्स के साथ जो बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी V, W, X, Y, Z, ये 21 होते हैं, इनके साथ जो वर्ड्स स्टार्ट होता है तो उसके लिए एक की अंग्रेजी क्या लगाते हैं, ए लगाते हैं। और इसमें एक और है ए एम एम मीन्स हूँ। अब ये ट्रांसलेशन है, यह है एक बिल्ली है, तो सबसे पहले हम यह की अंग्रेजी लिखेंगे। यह की अंग्रेजी होती है टी एच आई एस, दिस, फिर हम है की अंग्रेजी लिखेंगे, तो यह एक बिल्ली है इसलिए इसके साथ इज लगाएंगे, है की अंग्रेजी दिस इज, फिर इसके बाद एक की अंग्रेजी लगाएंगे और फिर बिल्ली की अंग्रेजी लिखेंगे कैट, दिस इज अ कैट। यहाँ पर ये सी कॉन्सोनेंट्स है इसलिए इसकी एक की अंग्रेजी ए यूज़ की है हमने। अब दूसरा ट्रांसलेशन है वह एक कुत्ता है, तो वह की अंग्रेजी टी एच ए टी दैट, उसके बाद है की अंग्रेजी इज आई एस, फिर उसके बाद एक की अंग्रेजी आ, फिर उसके बाद कुत्ता की अंग्रेजी डॉग, दैट इज अ डॉग, फिर है ये यह एक सेब है, तो यह की अंग्रेजी दिस, फिर है की अंग्रेजी इज, फिर एक की अंग्रेजी अ, फिर एप्पल की अंग्रेजी ए डबल पी एल ई। अब एप्पल ए से स्टार्ट हुआ है वॉवल से इसलिए एक की अंग्रेजी यहाँ ध्यान रखेंगे, एन यूज़ करेंगे, क्या यूज़ करेंगे, एन यूज़ करेंगे, वह एक कुर्सी है, दैट इज अ चेयर, यह एक संतरा है, दिस इज ए ऑरेंज। अब यहाँ पर हमें ध्यान रखना है ये ओ से स्टार्ट हुई है इसलिए इसकी एक की अंग्रेजी एन यूज़ करेंगे, हमें वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स का अच्छे से ध्यान रखना है। अभी एक्सरसाइज ऐसे करते हैं, वह एक अंडा है, दैट इज एन एग, यह एक मेज है, दिस इज अ टेबल, वह एक कार है, दैट इज अ कार, यह एक किताब है, दिस इज अ बुक, ये सिंपल सेंटेंस है, वह एक हाथी है, दैट इज एन, क्योंकि एलिफेंट की स्पेलिंग ई से स्टार्ट होती है, ई एल ई पी एच ए एन टी, दैट इज एन एलिफेंट, यह एक पंखा है, दिस इज अ फैन, वह एक गेंद है, दैट इज अ बॉल। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।